वेलकम बैक दोस्तों, मैं के विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, दोस्तों उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज हम 19 जून 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों इस पेपर में सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग दोस्तों सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। और इस सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी है, एन आर नारायण मूर्ति है, सुधा मूर्ति है, या शशि थरूर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक ए एन आर नारायण मूर्ति है। यानी कि एक का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों देखा जाए किरण बेदी जो है, किरण बेदी ये इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इन्होंने इट्स ऑलवेज पॉसिबल नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। यहां पे हमने लिख दिया इट्स ऑलवेज पॉसिबल नाम की पुस्तक इन्होंने लिखा है। अब इसके बाद अगर सुधा मूर्ति की बात की जाए दोस्तों, सुधा मूर्ति की भी कोई किताब पुस्तक जो है हमारी, सुधा मूर्ति इन्होंने जो लिखा है दोस्तों, सुधा मूर्ति ने महाश्वेता लिखा है। क्या लिखा दोस्तों? महाश्वेता लिखा है। अब इसी प्रकार शशि थरूर की बात की जाए दोस्तों, शशि थरूर इनकी बात की जाए तो इन्होंने लिखा रीजन ऑफ स्टेट नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। दोस्तों ये सभी हो गए। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक पूछा जाए तो एन आर नारायण मूर्ति हैं, किरण बेदी का है इट्स ऑलवेज पॉसिबल, और सुधा मूर्ति की है महाश्वेता, शशि थरूर की है रीजन ऑफ स्टेट। तो यहां पे हमारा एक का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था। गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था, हमको ये बात बतानी है। तो अब वो है दोस्तों डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टिम पेन या कैमरन ब्रैंकक्रॉफ्ट। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टिम्पिन जो थे वो इस गेम के छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं थे, बाकी ये तीनों सम्मिलित थे, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, कैमरन ब्रैंकक्रॉफ्ट, ये तीनों सम्मिलित थे लेकिन टिम्पिन जो है वो सम्मिलित नहीं थे। तो यहां पे दो का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग तीसरा क्वेश्चन, और यहां पे कहा गया है कि फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक दोस्तों जो होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें यहाँ पे बी, तीन का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट। अगर गलनांक की बात करता दोस्तों तो गलनांक कितना हो जाएगा इसका, गलनांक हो जाएगा दोस्तों 32 डिग्री फारेनहाइट, ये होता है गलनांक। अब क्वथनांक की बात की जाए 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगला देखेंगे तीन के बाद दोस्तों लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे काफी, चाय, काजू, मोटे अनाज, तो यहाँ पे कौन सी बागान फसल नहीं है दोस्तों, तो मोटे अनाज जो है वो बागान फसल नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसल को बागान फसल कहते हैं। बागान फसल होता क्या है, तो व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसल को बागान फसल कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है कॉफी आती है, चाय आता है, काजू आता है, कपास आता है, गन्ना आता है, और तंबाकू आता है आदि, ये सब व्यापार के उद्देश्य से जो फसलें होती हैं वो बागान फसल कहलाती हैं। इनमें से पूछा कि बागान फसल नहीं है, तो मोटे अनाज वाली जो फसल है वो बागान फसल नहीं हो जाएगा। यानी कि चार का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो गया।
आगे देखेंगे चार के बाद दोस्तों लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन, और पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। तूर दाल को दोस्तों हम लोग दूसरे नाम से अरहर नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? अरहर नाम, अरहर नाम से हम इसको जानते हैं। दाल उत्पादक में भारत प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ये भी आप जान लीजिएगा। तूर दाल को किस नाम से जाना जाता है? अरहर दाल का ही दूसरा नाम तूर दाल है। और दाल के उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत देश जो है वो प्रथम स्थान पे है। यहाँ पे पांच का ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? राइट हो गया। आगे देखेंगे पांच के बाद दोस्तों लोग छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि डॉट 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 का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, स्पीडोमीटर का, लैक्टोमीटर का, थर्मामीटर का, एनीमोमीटर का। तो यानी डॉट डॉट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि छह का यहाँ पे डी ऑप्शन इस जगह पे रखा जाएगा, यानी कि एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों तो ये जो हमारा स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर से क्या होता है? स्पीडोमीटर जो हमारा है दोस्तों, ये चाल मापने में काम आता है। किसके मापने में दोस्तों? ये चाल मापने में आता है, चाल मापने में। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर बात की जाए लैक्टोमीटर की, यहां पे हमने रख दिया लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की अगर हम बात करें तो लैक्टोमीटर जो हमारा हो जाएगा दूध का घनत्व हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दूध का घनत्व हो जाएगा। अब इसी बार दोस्तों थर्मामीटर की अगर बात की जाए, थर्मामीटर की, तो ये दोस्तों हमारा होता है मानव या फिर सामग्री का तापमान माप, मानव का तापमान मापने के लिए या फिर किसी सामग्री का तापमान मापने के लिए, मानव तापमान मापने के लिए कह लीजिएगा, मानव तापमान मापने के लिए, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और एनीमोमीटर जो होता है हवा के बल का वेग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमसे हमारा यहाँ पे छह का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों छह के बाद दोस्तों लोग सातवां नंबर क्वेश्चन, और सातवें नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। अब यहाँ पे 14 नवंबर की बात कही गई है दोस्तों, 14 नवंबर को जो होता है वहां पे दोस्तों ये होता है बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसी प्रकार अगर हम बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर जो यहाँ पे लिखा है, 14 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा, यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को अगर देखा जाए तो क्या मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व रक्त दान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों, मैंने आपको सभी बता दिया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाएगा दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे सात का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया कि मानव अधिकारों की सर्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा आठ का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मानव अधिकारों की सर्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? वो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। यानी कि आठ का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आठ के बाद दोस्तों अगर हम देखें नवा नंबर क्वेश्चन, तो नवा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में, या फिर दोस्तों बंगलुरु में? तो नौ का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी,
मुंबई में, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय तो मुंबई में है, तो इसका स्थापना अगर पूछी जाए कभी, तो स्थापना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे 9वें के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डाट डाट का राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का निर्णय लिया है। फलों को, दालों को, आलू को, मोटे अनाजों को, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 में किसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मोटे अनाजों को, किसका हो जाएगा, मोटे अनाजों का राष्ट्रीय पर्व घोषित, राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। 10 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी में एक चीज जान लीजिएगा दोस्तों, बाजरे को अंतरराष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 में घोषित किया गया है, यानी कि जो पिछला 2023 वर्ष था, 2023 वर्ष में बाजरा को अंतरराष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने के द्वारा घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि डाट डाट एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। दोस्तों कुंभ मेला है, नौचंदी मेला है, गंगा मेला है, सिकरी मेला है। तो 11 का यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, नौचंदी मेला है। नौचंदी मेला एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, यानी कि 11 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 के बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज किसने की थी। आर्किमिडीज ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, लुई पाश्चर ने किया था। तो एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन हमारा 12 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्किमिडीज जो सिद्धांत दिए थे, किसी द्रव को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोने पर, दोस्तों यहाँ पे इन्होंने आर्किमिडीज ने ऐसा सिद्धांत दिया था, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो ऐसे ही लुई पाश्चर ने भी किया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज की पूछी गई है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे 12 के बाद दोस्तों लोग 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान की डाट डाट भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। दोस्तों 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची। 13 का जो यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा, 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, यानी कि हमारा 13 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि डाट डाट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता की, राज्यपाल की या फिर महान्यायवादी की। तो 14 का जो हो जाएगा दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी दोस्तों, महाधिवक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 14 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। अब दोस्तों वो महाराष्ट्र है या हरियाणा है या हिमाचल प्रदेश है या फिर दोस्तों हमारा केरल है। तो दोस्तों केरल ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल ऐसा राज्य है जहां पे प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में कम से कम एक लोगों का बैंक खाता जरूर है। केरल ऐसा हमारा राज्य बना है। तो आगे देखेंगे दोस्तों 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र का शरीर के बाहर ले जाती है। अब फिर से यहां से एक बार देख लीजिएगा, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र का शरीर के बाहर ले जाती है। यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर, रेनल, पेल्विस। तो 16 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरेथ्रा,
यानी कि यूरेथ्रा हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। 16 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है, 27 अक्टूबर को, 4 मार्च को, 17 सितंबर को, 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 17 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों लोग 18 नंबर देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डॉट डॉट संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया, वो है दोस्तों हमारा 101वां संविधान संशोधन था। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया है। तो 18 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 18 के बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या फिर दोस्तों श्रावस्ती। तो बुंदेलखंड राज्य से जो हमारा संबंधित है वो हो जाएगा महोबा, यानी कि 19 का अगर हम देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो वो हो जाएगा महोबा। अगला देखेंगे 19 के बाद दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डॉट डॉट है, 13.5%, 9.4%, 8.4% या फिर दोस्तों 7.3%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का हमारा डी के साथ 7.3% इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डॉट डॉट कहा जाता है, पांचाल कहा जाता है, अंग कहा जाता है, सुरसेन कहा जाता है या फिर दोस्तों मत्स्य कहा जाता है। तो 21 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, सुरसेन कहा जाता है, यानी कि 21 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर व करौली क्षेत्र है, जो वर्तमान में राजस्थान का दोस्तों भरतपुर, धौलपुर व करौली क्षेत्र है ये इस समय पे। अगला देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है, रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, जियाउद्दीन बरनी, सुल्तान फिरोज तुगलक। तो 22 का हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा ए, रहीम के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर जितने भी ओल्ड ऑफिशियल पेपर होते हैं वो हर एक एग्जाम के ऑफिशियल पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं दोस्तों। और आपका कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप से या चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा 22 के बाद दोस्तों लोग 23 नंबर देखेंगे, और 23 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे, या मदन मोहन मालवीय थे, या दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद थे। तो 23 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो थे उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक थे, कौन, मदन मोहन मालवीय थे।
अब दोस्तों पहली बार यूपी में 1887 में प्रकाशित हुई थी, ये आपको यहाँ पे लिखा भी है। देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, कौन? हिंदुस्तान के संपादक कौन थे दोस्तों? ये पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। यानी कि यहाँ पे 23 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1947, 1957, 1968 या फिर दोस्तों 1977। तो 1968 से दोस्तों क्या हुआ है कि यूपी में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। 24 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 के बाद दोस्तों हम लोग 25 नंबर देखेंगे। और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्वीर थे, दोस्त मोहम्मद थे, दसवंत थे, मीर सैयद अली थे। तो 25 का यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा दसवंत थे, यानी कि 25 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार तो अब्दुल समद था, इसके अलावा दसवंत और बसावन भी थे। दोस्तों दसवंत और बसावन थे, यानी कि अब अगर यहाँ पे हम बात ये करें, आपको देखिए जो यहाँ पे 25 का सी के साथ दसवंत हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए कि अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था, तो मुख्य चित्रकार अगर देखें यानी मेन जो चित्रकार था वो अब्दुल समद था। और इसके अब्दुल समद के अलावा दसवंत और बसावन भी चित्रकार थे। तो यहाँ पे अब्दुल समद का नाम तो नहीं दिया गया, इसलिए हमारा दसवंत दिया गया। तो दसवंत इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 के बाद दोस्तों हम लोग 26 नंबर देखेंगे। और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि डॉट 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 फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुस्तरीबाई का, खुशी महाराज का, मेहंदी खान का, ठाकुर प्रसाद का। तो 26 का यहाँ पे हमारा बी खुशी महाराज का, यानी कि 26 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये यूपी के फैजाबाद के प्रसिद्ध संगीतकार थे दोस्तों। ये जो यूपी के फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे कौन? खुशी महाराज जो थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। यानी कि 26 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर। और 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगुरिया। यानी कि 27 का हमारा यहाँ पे बी यानी कि आल्हा। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? वो है आल्हा। यानी कि 27 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 नंबर। और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा या फिर दोस्तों सरयू। तो 28 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा शारदा। शारदा जो है हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? वो है शारदा नदी। तो 28 का हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर। और 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को या फिर दोस्तों एल्युमिनियम को। 29 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा खनिज को पीला केक भी कहते हैं। किसको? यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 29 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 के बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर देखेंगे। और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे 30 नंबर में कहा है कि निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? गुलाम मुस्तफा खान, शारदा सिन्हा, MS धोनी, पंकज आडवाणी। तो 30 का हमारा हो जाएगा गुलाम मुस्तफा खान, जो है 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था। यानी कि 30 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 31 नंबर। और 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? राजेश कुमार चतुर्वेदी की, जोसेफ इमैनुअल की, अनीता करवाल की या विनीत जोशी की? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA
कि पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, तो 31 का हो जाएगा दोस्तों विनीत जोशी, यानी कि 31 का डी के साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, ये तो कब का था, 2018 की कहानी थी। अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान जो हमारा 23-24 चल रहा है, वर्तमान 23-24 का जो चल रहा है इसकी बात की जाए, तो इस समय पे वर्तमान में जो है वो है हमारे दोस्तों सुबोध कुमार सिंह है। क्या है दोस्तों, उनका नाम है सुबोध कुमार सिंह। सुबोध कुमार सिंह जो है वो एनटीए के पहले महानिदेशक पद के बाद जो अब वर्तमान में बने हैं ये है। पहले कौन बने थे, विनोद जोशी। विनोद जोशी के बाद सुबोध कुमार सिंह हो जाएंगे वर्तमान में दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 31 के बाद 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि G20 की बैठक 2018 में डाट में होगी, रियो डी जेनेरिया में, ब्यूनस आयर्स में, मैक्सिको सिटी में, इस्तांबुल में। खराब, G20 की बैठक 2018 में कहां होगी, ये बात हमको यहां से बताना है। तो 32 का जो हमारा हो जाएगा बी, ब्यूनस आयर्स हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूनस आयर्स। ये ब्यूनस आयर्स कहां है दोस्तों, ये अर्जेंटीना में है दोस्तों। कहां पे है, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स है। और यहां पे कब, ये 2018 में, यानी G20 का सम्मेलन हुआ है। अब 2018 के बाद अगर देखें तो इसके बाद 2021 में कहां हुआ है, 2021 में इटली में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों, इटली में हुआ है। फिर 21 के बाद अगर देखा जाए तो 2022 में फिर हुआ है, 22 में इंडोनेशिया में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। अब 22 के बाद अगर दोस्तों 23 में देखा जाए तो 23 में अपना यही भारत में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों, भारत में हुआ है। और फिर उसके बाद अगर 24 की बात की जाए तो अगला 2024 में कहां होगा दोस्तों, ब्राजील में होगा। कहां होगा दोस्तों, ब्राजील में होगा। तो ये इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों, इतने आप जान लीजिएगा। 2018 में G20 का सम्मेलन कहां हुआ था, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था 2018 में। 2018 के बाद 21 में हुआ इटली में, 22 में हुआ इंडोनेशिया में, 23 में हुआ भारत में, और 24 में हुआ दोस्तों ब्राजील में होगा। अब ये देखेंगे 32 के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की। दोस्तों यहाँ पे हमारा 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। अरविंदो घोष, राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो 33 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राम मोहन राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा पर रोक लगी थी दोस्तों। अगर ये राम मोहन राय ने ही क्या किया था, राम मोहन राय ने ही सती प्रथा की रोक लगाई थी दोस्तों। यानी कि राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा पे रोक लगी थी, और ये जो थे हमारा वेदांता कॉलेज की स्थापना इन्होंने राम मोहन राय ने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, सीलोन कहा जाता था। तो वो है दोस्तों हमारा श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था, और अब इसका नाम बदल करके श्रीलंका हो गया है। तो 34 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे वर्मा का पहले नाम वर्मा था जब भारत देश से अलग हुआ था, बाद में अब इसका म्यांमार नाम हो गया है, उसी प्रकार सीलोन श्रीलंका का पहले नाम था, अब वर्तमान में नाम श्रीलंका चल रहा है। 1869 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1869 में डॉट नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। वो दोस्तों कौन सा, मतलब नहर के खुलने से दूरी कम हो गई, पनामा नहर से, कील नहर से, स्वेज नहर से, वोल्गा डान नहर से। तो 35 का जो हो जाएगा यहाँ पे स्वेज नहर से। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी कि 35 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 के बाद दोस्तों हम लोग 36 नंबर देखेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे। विद्या देवी भंडारी थी, मैत्रीपाला सिरिसेना थी, शेख हसीना थी, आंग सान सूकी थी। यानी कि
गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, ये हमको बात बताना है। बहुत पुराना हो गया, उस समय पे करेंट का क्वेश्चन था ये। तो 36 का उस समय पे दोस्तों आपको बता दूं आंग सान सूकी थे, यानी कि 36 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ था उस समय पे राइट था। यानी कि 2018 में गणतंत्र दिवस की परेड में जो मुख्य अतिथि होंगे वो उस समय पे थे आंग सान सूकी थे। नेक्स्ट देखेंगे 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन इंडिया, पेटीएम। तो 37 का जो हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे 37 हमारा हो जाएगा, 37 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 का सी यानी कि अमेजॉन इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ई कॉमर्स कंपनी कौन है दोस्तों, अमेजॉन इंडिया, यानी कि 37 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों, और ये सामान्य अध्ययन का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। 38 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, सीवी रमन थे, जेसी बोस थे, विक्रम साराभाई थे, होमी जहांगीर भाभा थे। वो दोस्तों हमारे हैं विक्रम साराभाई थे, जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ महान उद्योगपति भी थे। कौन, विक्रम साराभाई, यानी कि 38 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का इन सबका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के राय या सुझाव वहां पे दे सकते हैं और अपने डाउट या डप्ट भेज करके उसका क्लियर भी ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला पार्ट, अब हिंदी का हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग अब सामान्य हिंदी पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे इस पेपर में वो सारे हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। 39 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहा है कि विशेषण को पहचानना है तो वो हो जाएगा ऐतिहासिक, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो 39 का अगर हम देखें तो ए के साथ प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। करा इन चार ऑप्शनों में से विशेषण कौन है, तो वो विशेषण हमारा ऐतिहासिक शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 के बाद दोस्तों लोग 40 नंबर, और 40 नंबर में लिखा हुआ है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। ये जो जागना लिखा है ये मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, जगाना, जगवाना, जागवाना या फिर दोस्तों जाग, ये हो जाएगा जागना का हो जाएगा जगाना, यानी कि मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा, जागना का हो जाएगा जगाना। यानी कि ऑप्शन हमारा देखा जाए तो 40 का ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं बाहर जाऊंगी। दोस्तों ये हमारा जो है पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह घूमने जा रहा है, अब घूमने जा रहा पता नहीं कब घूमने जाएगा। अब कहा गया है कि वह पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है पता नहीं कितनी देर से पढ़ रहा है, और मैं बाहर जाऊंगी पता नहीं, मैं बाहर जाऊंगी तो पता नहीं कब जाऊंगी, ये क्लियर नहीं है ना। तो वर्तमान की बात, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 41 का ए के साथ, ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 के बाद दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश जो है गीत गा रहा था, अपूर्ण भूत काल है या पूर्ण भूत है या सामान्य भूत है या आसन्न भूत है। तो सुरेश गीत गा रहा था ये हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण भूत, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 के बाद दोस्तों हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि पक्षी दाना चुग रहा है,
रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, यानी पक्षी का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों खग भी होता है और उसके बाद अंडज भी होता है, नवचर भी होता है, लेकिन पंकज जो होता है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। यानी कि देखा जाएगा तो नहीं पूछा, तो 43 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 बार दोस्तों हम लोग 44 नंबर देखेंगे और 44 नंबर में कहा है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, अनाथ का विलोम हमको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे अनाथ का विलोम हमारा समनाथ हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, जिसका कोई ना हो, तो अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ भी हमारा 44 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द कह रहा नहीं है वो हमको बताना है। कनक, अनंत, महावीर, हत्या। अब दोस्तों अनेकार्थी शब्द हत्या का जो हो जाएगा वो अनेकार्थी शब्द नहीं है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे 45 बार दोस्तों लोग 46 नंबर देखेंगे, और 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। अब दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 46 का आध्यात्मिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 46 का ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, समरूपी भिन्नार्थक है, अवधि अवधि, अनुचर का नौकर, आदि का अंत, अभिनय का नाटक। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अवधि, अवधि का अवधि, यानी कि ये हमारा क्या है जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। यानी कि 47 का हमारा ए के साथ यहां भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित, रेखांकित शब्द को पहचानिए प्रतिदिन। अब यहाँ पे प्रतिदिन है सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित पद को पहचानिए, प्रतिदिन हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, कारक हो जाएगा। तो 48 का यहाँ पे देखा जाए तो ये अव्यय हो जाएगा, अगर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। 48 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे, और 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप, तो आप, ये हमारा क्या है प्रत्यय, प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 49 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मिलाप में मिल, आप, अप, लाप, तो अप, आप हमारा मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आप हमारा क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। 49 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 50 नंबर देखेंगे, और 50 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, 50 में दिया गया है कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, प्रत्याघात, प्रति, प्रत्याघात, 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 प्रतिधन आघात का हो जाएगा प्रत्याघात। यानी कि 50 का अगर देखें तो संधि रूप हमारा शुद्धतः प्रत्याघात बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 50 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 51 नंबर में दिया गया है कि महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। 51 का हमारा यहाँ पे महौषध का संधि विच्छेद महाधन औषध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 के बाद हम लोग 52 नंबर देखेंगे, और 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, पाषाण, कंकड़, प्यासा, पक्ष। तो 52 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, यानी कि प्यासा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो वो है हमारा प्यासा। 52 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 के बाद दोस्तों हम लोग 53 नंबर देखेंगे, और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा है। आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है।
तो 53 का यहां पे हो जाएगा सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। 53 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 54 नंबर, और 54 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अच्छा मन नहीं होता मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पे लिखा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो मन नहीं होती है यही हमारा क्या हो जाएगा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। यानी कि 54 का आज 54 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 54 के बाद दोस्तों हम लोग 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि वाच्य के कितने प्रकार हैं, वाच्य के कितने प्रकार हैं, 3, 4, 1 कोई प्रकार नहीं। तो वाच्य के प्रकार जो दोस्तों होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्पविराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा हम जब वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, तो पूर्ण विराम हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 56 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोहे के चने चबाकर, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना, यानी बहुत कठिनाई झेलना, यानी कि 57 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर देखेंगे, और 58 नंबर में हमारा दिया गया कहां राजा भोज कहां गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, गुण विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 58 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर देखेंगे, और 59 नंबर हमारा दिया गया है कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होता है, तो वह अलंकार होता है दोस्तों हमारा 59 का बी, यानी कि अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार अनुप्रास होता है, जैसे तरण तरुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे ता वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर हमारा क्वेश्चन में ये दिया गया है, कहा गया कि जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, सोरठा कहते हैं, या फिर दोस्तों रोला कहते हैं। तो इसको आपको बता दूं कि उसको हम चौपाई कहते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो वो चौपाई होता है। आगे देखेंगे 60 के बाद दोस्तों हम लोग 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो 61 का हमारा यहाँ हो जाएगा अव्यय भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 61 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया करुण रस का स्थायी भाव है क्रोध, शोक, उत्साह या विस्मय। तो 62 का हमारा हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, क्या होता है दोस्तों शोक, यानी कि 62 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ राइट हो गया। 62 के बाद दोस्तों लोग 63 नंबर देखेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, अक्षर कहेंगे, क्रिया कहेंगे। वर्णों के समुदाय को हम कहेंगे दोस्तों वर्णमाला कहेंगे, यानी कि 63 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर देखेंगे, 64 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, संसार होता है, अब गौरव गौरवशाली व्यक्ति होता है, समुदाय होता है, अश्विनी, यही हमारा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा अश्विनी। 64 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ बिल्कुल राइट हो गया। 64 के बाद दोस्तों 65 नंबर पे आ जाएंगे, और 65 नंबर हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछा है, तो इसमें जो सही नहीं दिबिया दिबिये ये हमारा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 65 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
65 के बाद दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर में हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा। माँ अपने बच्चे को मारती है। 66 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा बी, यानी कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यानी कि संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाने तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे ये हमारा संबंध कारक वाला पद हो जाएगा। यानी 66 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो आगे हमारा पैसेज आ जाता है। पैसेज में हमको 67 से लेकर के 71 नंबर तक के क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो हमने बताया है कि सबसे पहले आप ऐसा करिएगा, इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन जी, सरोजनी नायडू। और आगे देखेंगे यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई। आगे और देखेंगे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर और आगे देख लेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फिर और आगे देखेंगे उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। बस अब हमने पढ़ लिया, अब हमको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़कर के हमको इनका जवाब देना है। कहा गया कि भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1961 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता हैं। अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जन्म वाला एक पूछा गया, उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता हैं। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टर मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दी। वर्ष 1878 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में उन्हें हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतामुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़े थे हमको सारे जवाब मिल चुके हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया जनगण मन के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। 67 का ए, ये पहले से भी आप लोगों को पता रहा होगा। आगे देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन कहा है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई। उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद आई, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई। यानी कि यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्या की, लौटा दी थी। यहाँ पे भी हमने ये पढ़ा है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। कब ये हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यानी कि 68 का देखा जाएगा तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जहां पे हमने दूसरे स्टेप ज्यादा आ गए क्या, 67 हो गया हमारा, 67 के बाद दोस्तों 68 हो गया, ठीक है। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ ना, तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे कहीं हमने पढ़ाई है, हाँ, उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि ही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसकी रचना, गीतांजलि। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 69 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
69 के बाद दोस्तों 70 नंबर में आ जाएंगे। 70 नंबर में कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ। 7 मई 1861 को कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो वो ब्रह्म समाज के नेता थे। अभी हमको ये भी कहीं पढ़ने में मिला था, ये है उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे, यानी कि 71 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 71 के बाद दोस्तों हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि की राष्ट्र कवि का सम्मान दिया, कवि की राष्ट्र कवि गांधी जी ने किस कवि को यहाँ पे को होना चाहिए, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को। तो 72 का हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, मैथिली शरण गुप्त को दिया था। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर में दिया गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम था, प्रेमचंद जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल जी। तो 73 का हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम था, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 73 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कामायनी के रचयिता कौन है, दोस्तों कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, बहुत पूछा जाता है इसको, आप ध्यान रखिएगा। 74 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों 75 नंबर देखेंगे, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा, यहाँ पे कहा गया कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा जो है हमारा वो तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी तुलसीदास की रचना दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सब तुलसीदास की रचित रचना है, लेकिन यामा जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 75 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही गहनता से समझ में आए होंगे, और आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इन सभी चैनलों का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।